क्या आया है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इट वाज रिटन कि उनकी आईज से ब्लीडिंग हो रहा था, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर हर जगह से, लाइक ऑलमोस्ट 10-12 जगह से पूरा ब्लीडिंग है. उनकी मम्मा और आंटी साथ में थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड शी टोल्ड कि जब उन्होंने पहली बार देखा, हर लेग्स वर वाइड ओपन. लाइक आपको भी पता है डिलीवरी होता है, एक बेबी को मम्मा वूम में 9 महीने के लिए रखती है, पेल्विक गर्डल लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट. करेक्ट. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू ब्रेक इट. एब्सोल्युटली. जिसको वो लाइक आई डोंट नो स्केपगोट बना रहे हैं या वो एक्चुअली इन्वॉल्व्ड है, बट जिस इंसान का नाम लिया जा रहा है कि ही इज़ द कल्प्रिट, ही इज नॉट दैट लाइक फैट और स्ट्रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. ही इज थिन एंड द गर्ल वॉज ऑल्सो लाइक गुड एनफ. सो देयर इज नो वे पॉसिबल दैट जस्ट दैट पर्सन कुड हैव क्रिएटेड सो मच डैमेज. सी आई एम लाइक मेरा वेट बहुत कम है, बट फिर मेरे सामने भी कोई आएगा, मुझे इतनी चोट लग गई, सामने वाले इंसान को एक खरोच भी नहीं आई, दैट्स नॉट पॉसिबल. मतलब इतना तो फाइट और फ्लाइट हमको पता ही है कि हर किताबों में भी लिखा होता है कि एक इंसान की जब मरने की बात आ जाती है, शेर तक इतना हिम्मत उस इंसान के अंदर आ जाता है. तो फाइट, लेट्स से यू कैन रन 20 किलोमीटर्स पर आवर ऑन योर मैक्स, बट व्हेन देयर इज अ लायन चेसिंग यू, यू कैन हिट ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स योर स्पीड बिकॉज़ द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड आर सो मच. या सो दे टेंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर. सो लाइक शी सेड, व्हाई हैजंट दैट गाय सफर्ड एनी इंजरीज? Do you all know about who else was involved? No, we have no idea about all that. And actually, we are protesting for the same. Because yahi cheez to dil mein dard kar raha hai na, ki she was like a sister. Theek hai, main unko personally nahi janti. Theek hai, mereko nahi pata wo kaise karti hain. But ek behan jaisi wo ab lag rahi hain. Itne din se sirf unke bare mein baar baar unki wo pictures ko dekh ke baar, aisa feel ho raha hai ki yaar, she was like my sister. And कोई इंसान आया, उसने इतना गलत उनके साथ कर भी दिया और उसके बाद हमको पता तक नहीं चल रहा है. मतलब जस्ट इमेजिन, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, उसके साथ कोई ऐसा कुछ करके चला गया और उसके पेरेंट्स को कितना हेल्पलेसनेस फील हो रहा होगा कि यार कोई तो बता दो यार, मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है और किसने किया है. वी आर प्रोटेस्टिंग जस्ट फॉर द सेम कि कुछ तो बोलो, क्योंकि इतना तो हमको भी समझ में आ गया है कि जो आप बोल रहे हो कि दिस पर्सन इज कल्प्रिट, ही इज नॉट. उसके पेरेंट्स के बारे में भी, उनके जो वीडियोस देखे, दे आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एट ऑल. डू यू थिंक उनको भी धमकाया जा रहा है टू नॉट परस्यू दिस फर्दर? आई फील दे आर वेरी इनोसेंट. लाइक पहले दे वर लाइक, जब पूछा गया कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हो रही है उस पर भरोसा है, दे वर लाइक हाँ हमको है. अभी उनसे फिर से पूछा गया तो उन्होंने बोला अब सीबीआई आ गई है तो हमको सीबीआई पे भरोसा है. सो आई फील दे आर वेरी इनोसेंट एंड हो सकता है ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में भी होंगे, तो पता नहीं वॉट दे आर गोइंग थ्रू. एंड मुझे तो ऐसे लगता है कि एक बाप के लिए इससे ज़्यादा लाइक वर्स्ट चीज लाइफ में कभी नहीं हो सकती, अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखना. बट डू यू थिंक कुछ होने वाला है? लाइक इतने सारे केसेस पास्ट में हो चुके हैं, इस केस में भी एविडेंस टैम्परिंग, विटनेस टैम्परिंग, चीज़ों को तोड़ देना. हम बात कर रहे थे, जैसे पीपल आर सेइंग राइट, सस्पिशन यही है कि मल्टीपल लोग थे, उन मल्टीपल लोगों ने पेल्विक गर्डल तोड़ा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रूव दैट. It was said ki 150 mg of semen was found in her private parts, which is not possible for a single person to do. Maan lo usne 2-3 baar bhi kiya hoga, tab bhi you know it, second time it will be less. Correct. Third time it will be less. And so it's not humanly one, possible. One male can ejaculate up to 10 to 15 grams milligram. Yeah. So even if, like she said, even if they do it multiple times, the quantity keeps going down. Yeah. So that's humanly impossible. And another factor which we are missing the elephant in the room, is she was being tortured. Yeah. Why was she being tortured? Like, I'm pretty sure we've seen a lot of rape cases happened in this similar way, but they weren't tortured. But why was she being tortured? That is the question. Is there anything else? Are we missing something? And I think CBI must be having the answers for this.
you know, I was doing some reading and we were doing reading about the police commissioner. Mm-hmm. Mm-hmm. A couple of years ago, एक केस हुआ था कॉल्ड द कामदुनी रेप केस, जहाँ पे एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ इंजरीज इन्फ्लिक्ट करी गई थी एक स्केप गोट को, इनफैक्ट मल्टीपल स्केप गोट्स को, एकदम अजीब सी एविडेंस के सहारे से लोअर कोर्ट्स ने उनको सेंटेंस किया. कुछ महीने बाद जब केस ठंडा हो गया, दे अपील्ड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देम वर स्कॉट फ्री. जिनको डेथ सेंटेंसेस तक दी गई थी उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी कुछ कुछ लोग तो अभी फ्री हैं. The same person who was the head of CID then is the same person who's the police commissioner now. Do you think justice will actually prevail? अगर वो पहले ये कर चुका है, लोगों को फंसा चुका है, फिर उनको free करा चुका है, क्या वो फिर से same चीज़ करने की कोशिश कर रहा है? I think we've seen a lot of cases throughout the country in the past 10 to 15 years where a lot of rape cases initially they are convicted, उसके बाद उनको bail दिया जाता है and they end up coming out and there's a celebration outside the jail. So we doctors are fighting for this. We are fighting for justice. We want that ki justice usko diya jaye. Isliye hum log doctors itna protest kar rahe hain. We've closed OPDs. We're decreasing the number of patients. All elective surgeries are closed. Hum nahi chahte hain ki patients suffer ho jaye. And I think today morning there was an official notification from the IMA ki sab kuch services band karna hai. Kyun kar rahe hum? Because we want that. That girl should get justice. And it's not only about that girl too. Ki aage ye cheez kisi aur ke saath bhi nahi hona chahiye. So that's what we are working for. See, we are so small in number. Like almost, I guess, 19 to 20 lakhs doctor hain India mein. To jab humne shuru mein sirf non-emergency services band kiya and OPDs band kiya, no one bothered to come to us from the authorities to talk. What do you want? Yeah. They did not even like come forward ki at least aapki demands humko de do, hum sirf leke chale jaye. We were sitting chupchap baithe hain, pura din baithe hain, duty kar rahe hain, wapas aa rahe hain, fir wahan pe ja ke baith ja rahe hain ekdam silently. Fir jab humne emergency services band kiya, jab pura burden hamare professors pe, hamare jo SRs hain, abhi un logon ke to job hai, unka idhar udhar transfer ho jayega. In fact those professors, they are supporting us so much. It's work of an intern to draw blood. Yeah. But sir literally bol rahe hain ye sab hum kar lenge, tum justice le aao. To matlab kuch to aisa gadbad ho raha hai jo hamare bade logon ko bhi samajh mein aa gaya ki hum sambhal lenge, tum justice lao. But ye gadbad bahar kyun nahi aa rahi hai? Do raat pehle ek 7000 logon ka mob ne attack kiya hai, hostel pe attack kiya hai, hospital pe attack kiya hai. Kya unka intention evidence destroy karna tha? See, I think the whole the events of series which is happening is like a Netflix series. It is. Like, pehle ek cheez ho jata hai, someone's framed, then like, no, ye nahi hai, then a group of people come and hit. And there's a high chance, which maybe, you know, there was also a renovation which is taking place, jo itne saal se nahi hua, that has been taking place. So it's very questionable. And again, the people of RGKar, the doctors, they are fighting for the same thing. Yeah. We are fighting for the same thing. See, main toh sirf ek cheez bol rahi hoon. जो बोला जा रहा है कि वो मॉब अटैक क्यों हुआ, उन्होंने बोला कि आपने सारी इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी हैं, इसीलिए हम ये मॉब अटैक कर रहे हैं. ओके. अगर यही लोग हमारे सपोर्ट में आ जाते, हम अगले दिन इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे. मेरी पढ़ाई जस्ट कम्प्लीट हुई है, कुछ महीने हुए हैं इंटर्नशिप शुरू किए हुए, एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड राइट नाउ टू अप्लाई ऑल दैट नॉलेज इन पर्सन. हम PG देके आते हैं, फर्स्ट ईयर्स हैं, दे आर सो एक्साइटेड टू डिसाइड द केस द वे दे वॉन्ट टू ट्रीट द पेशेंट, अपना खुद का पूरा अथॉरिटी लेके, अदरवाइज सीनियर से हर टाइम पूछना पड़ता है. तो इवन वी वॉन्ट टू ट्रीट द पेशेंट्स. मैं ये चीज़ बार बार पहले दिन से बोल रही हूँ, हमारी लड़ाई कॉमन सिटीजन से नहीं है, एकदम नहीं है. इनफैक्ट हम चाहते हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आओ. अभी भी नो वन इज डाइंग, हॉस्पिटल इज फंक्शनल, आर प्रोफेसर्स आर हैंडलिंग, आर सीनियर्स SRs दे आर हैंडलिंग. उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर बन गया है, बट पेशेंट्स के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है. एंड व्हेन वी स्टार्टेड द स्ट्राइक ऑन डे वन, व्हेन वी वर वॉकिंग विद द बैनर्स, द पेशेंट्स वर लाइक, अरे इनको बस पैसा चाहिए होगा, दे वांट इनका टाका नहीं बढ़ा रहे, मींस सैलरी नहीं. कॉमन मैन तो आई डोंट थिंक अंडरस्टैंड्स, लाइक
लास्ट नाइट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, उसको एक रैंडम इंसान का मैसेज आता है कि एक रात का कितना लेगी. एंड द अजीब पार्ट ये है कि यही कॉमन मैन इज़ द मेजॉरिटी. द एडुकेटेड जो लोग समझते हैं वो माइनॉरिटी है. मतलब उस आदमी के दिमाग में ऐसा क्या ही चल रहा होता है उस टाइम पे कि वो बस एक रैंडम इंस्टाग्राम पे एक लड़की को ये पूछेगा कि एक रात का कितना लेगी. एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स वॉट वी नीड टू चेंज. लाइक सी, वी कैन नॉट चेंज द माइंड सेट ऑफ एवरी वन, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. बट आई फील द पासिंग ऑन जनरेशन विच इज कमिंग आउट राइट नाउ आर मोर एडुकेटेड, दे आर मोर वेलवर्स, दे मोर कल्चर्ड, दे मोर डाइवर्स. सो आई होप दिस मेंटालिटी चेंजेस दैट कि इट्स जस्ट वुमन, हमेशा लड़कियों का गलती होता है, वो लोग कुछ करते हैं कि वो लोग रात में नहीं जा सकते हैं. आई फील एवरी वुमन डिजर्व्स वॉट गाइज डू, दे डिजर्व द इक्वल थिंग एंड दे शुड नॉट बी सेट बैक जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर. और सोचो कि कितना अजीब है कि एक रैंडम पुलिस वॉलंटियर जिसका काम शायद किसी को पता भी नहीं है, 12,000 रुपीस कमाने वाले इंसान के लिए 7,000 लोग आके एविडेंस टैम्पर कर रहे हैं. कैन दिस जस्ट बी अबाउट वन पर्सन? नाउ एवरीवन नोज इट्स नॉट अबाउट, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल. लाइक इवन इफ यू आई, इवन इफ वी कमिटेड अ मर्डर और समथिंग, वी कैन नॉट ब्रिंग 7,000 पीपल. या इट्स इम्पॉसिबल, 7,000 पीपल इन अ ट्रक, इट्स टोटली इम्पॉसिबल. There is something or someone massive may be involved in this. And agar wo 7,000 people, like agar nahi hai, koi culprit nahi hai, kuch galti unki nahi hai, hamare khilaf nahi hai, to main bol rahi hu ek bar, for God's sake, I'm requesting here, ek bar hamare support mein ek din ke liye aa jao, fir dekho kaise minton mein cheeze change hoti hai. Abuse of power, I think India ki sabse badi problem ban gayi hai. इस केस में भी इफ़ यू लुक एट द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द केस, जो एक्स प्रिंसिपल की बात की जा रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, देर आर स्टोरीज अबाउट दैम, दीज आर डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज, ये अफवाहें नहीं है, ये सच्चाई है कि अपने प्रीवियस कॉलेजेस में वो लोगों के साथ पार्शियलिटी करता था, वो उनको अल्कोहल सर्व करता था, सेल करता था, उसके लिए प्रोटेस्ट करवाता था. Do you all have any other information about the ex-principal of the college? So I think I have a screenshot like which was forwarded by one of my friend. So in that screenshot, basically the principal, or which was told, which is not verified, was claiming to say that they'll give mass supply exams if they don't pass, or they will not give money for the fest. So these are just speculations, but then we don't know the truth. How big, who is involved? It's a very big question. Like we're having a lot of questions for which we don't have answers. मतलब आप सोचो वो आदमी कितना powerful होगा. There are multiple instances. In 2023, he came under scrutiny for unethical practices. वो जो corpses होते थे without consent of the deceased family, वो उनपे dissection करवाता था. In fact, RG Kar's ex-deputy superintendent Akhtar Ali said that Ghosh is a very corrupt person and was like a mafia. He's a corrupt person who is very powerful. He used to fail students. He used to avail 20% commission on tender orders. He used to loot money from every work that happened in RG Kar Medical College. How does a person get to this level of power? Do you think a person of this power has to be involved in something like this? See, my college principal, she's very good. जब से वो आई हैं उन्होंने बहुत कॉलेज में चेंजेस लाए हैं. एंड थोड़ा बहुत रैगिंग वैगिंग का भी कुछ होता था, वो भी मैम ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है. तो हमको ये चीज़ एकदम रिलेट नहीं हो पाती है कि अ प्रिंसिपल कॉलेज का, जिसके लाइक जिनको हम एकदम गुरु ऐसे मानते हैं, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं. मुझे ऐसे लगता है अगर ऐसा हो रहा है तो हर बच्चे से इसका मतलब परसेंटेज लिया जा रहा है, हर बच्चे से पैसे मांगे जा रहे हैं. तो RG Kar के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको मिल के सामने आना चाहिए और उनको बताना चाहिए इज़ इट एक्चुअली ट्रू और नॉट. क्योंकि इधर मैं एक चीज़, मतलब मेरे को बहुत दिन से फील हो रही है कि हमारे पेरेंट्स भी, इवन माय डैड इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, तो अगर मेरे पापा के बारे में भी ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो मुझे बहुत गंदा लगेगा. और वो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अगर ऐसा है तो पीपल शुड कम फॉरवर्ड. लेकिन अगेन हम लोग कुछ इंटरव्यूज देख रहे हैं,
जिसमें सच में लोग सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो ऐसा एक्चुअली करते हैं, तो गॉड नोज. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती. What do you think is going to be the future of women in the country? Like, जब निर्भया का केस हुआ था तब once it was solved, once the culprits were caught, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग थी दैट रिफॉर्म्स आएंगे, बेटर होगा लड़कियों के लिए, एनवायरनमेंट बेटर होगा. बट अब जब ऐसी चीज़ होती है वापस, क्या आपका फेथ कम्प्लीटली इस कंट्री पे से, इस कंट्री के मेन से, मेन इन जनरल से उठ चुका है? एक लाइन चलती है कि पुरानी मूवीज़ वगैरह में, दैट इज़ अ वेरी फेमस लाइन, कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो कोई आएगा. सी आई